मैं भी उस पथ पर चलूंगी जो आप अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो ना, तो मैं भी अपने आप का कल्याण करने के लिए जो पथ तुमने अपनाया है वो पथ भी मैं आपके साथ अपनाऊंगी। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने में तुम्हार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने में तुम्हार। परिग्रह के चिंता को तोड़ कर निज के चिंतन में रम रहने में तुम्हार। प्रभु चल पड़े वन को धाए निज चेतन को, प्रभु चल पड़े वन को धाए निज चेतन को, सब राग तंतु तोड़े काटे भव बंधन को, फिर मोह शत्रु नाशे और छायक चारित्र धारे जिसमें आनंद अपार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने में तुम्हार। यह जीव अनादि से है मोह से हारा, चहुगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा। यह जीव अनादि से है मोह से हारा, चहुगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा। कोई नहीं है शरण आता आत्म ही शरणा है, जाना जगत आसा। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने में कुमार। राह चुनी शिव से स्वर्गलोक से देवलोक पालकी लेकर आते हैं। हाँ दो तीन इंद्र इंद्र आइए, दो तीन आइए कुबेर महाराज, कुबेर महाराज आइए पालकी लेकर आइए, पालकी आइए आइए आइए। दीपक 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 पालकी 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 जाइए जाइए लोकांतिक देव तैयार रहे दो लाइन में। लोकांतिक देव सभी दो लाइन में तैयार हो जाओ वहां पर पालकी के। लोकांतिक देव कारुणिक दृश्यों को देख करके जीवों के प्रति करुणा का भाव हृदय में उल्लारे लेने लगा। आचार्य भगवान ने एक स्थान पर लिखा है कि करुणा का दृश्य देख करके भी यदि नेत्र सजल नहीं होते तो छिद्र तो नारियल के ऊपर भी दो बने रहते हैं। त्रिलोकेश्वर जिनके कई भवों के संस्कार थे, ऐसे यदुवंश के शिरोमणि समुद्र विजय के नंदन, शिवा देवी के लाल प्रभु नेमिनाथ ने कंकण के बंधन को तोड़ करके जगत के बंधन को तोड़ने का संकल्प किया।
जैसे ही वे चिंतन की धारा में डूबते हैं, ब्रह्मलोक में हलचल होने लगती है और पंचम स्वर्ग से वे देवगण जिनके श्वेत वस्त्र हैं, जिनके श्वेत आभा है, जो शुक्ल लेशिया के धारक हैं, ऐसे सारस्वत ब्रह्म अरुण गर्द तोय तुष्टा अव्यवाद अरिष्ट आठ लोकांतिक देवों के इंद्रगण स्वर्ग से जयघोष करते हुए जूनागढ़ की ओर आ रहे हैं, जहां वैराग्य की चिंतन धारा में अविरल डूबे नैमिषारण्य प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए पंचम स्वर्ग से ब्रह्म लोक से वे देव ऋषि ब्रह्म ऋषि कहें आसन भक्त कहें आगम ग्रंथों में कई नामों से उन्हें संबोधन दिया गया है। ऐसे सारस्वत ब्रह्म अरुण गर्द तोय तुष्टा अव्यवाद आठ लोकांतिक इंद्रों के अधिपति पंचम स्वर्ग से जूनागढ़ की ओर आ रहे हैं, जहां प्रभु चिंतन की अविरल धारा में डूबे हुए हैं और उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना लिए। उधर देवगण आकाश मार्ग से शिवा का पालकी लेकर के भी जूनागढ़ की ओर आ रहे हैं। ऐसे पावन दृश्य आपके सामने हैं। आए पुकारते हैं मुक्तिपुरी के रास्ते संसार के क्षणित ये सुख नहीं तुम्हारे वास्ते ये जिंदगी के मोल को हृदय से है निहारता उलझ गए तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वता संसार की असारता दुखों की है अपारता उलझ गए तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वता संसार की असारता। प्रभु के लिए देवगण देव गुरु नामक पालकी शिवका को लेकर के आकाश मार्ग से आ जाते हैं और लोकांतिक देव प्रभु के वैराग्य भावों को जान करके उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना के लिए मध्य लोक के जूनागढ़ में आ जाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हुए उनके वैराग्य के भावों की भूर भूर अनुमोदना प्रशंसा स्तुति करते हैं। भगवान हम तो आपकी केवल प्रशंसा और स्तुति ही कर सकते हैं, ना कि आपका संबोधन। हम तो आपसे संबोधन करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु।
के विधाता, आपने जो दीक्षा लेने का विचार किया है सो बहुत ही उत्तम है। 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आप मोक्ष पथ को खुला करेंगे, इसलिए आप मोक्ष पथ के विधाता हैं, निर्माता हैं। धन्यवाद। आप लोग कल्याणकारी भगवती की शंकर करने जा रहे थे, वास्तव में ये आपका विचार अतीत सुंदर है। मोह माया से दूर रहने से जीव का कल्याण संभव है, अतः दीक्षा लेने की श्रेष्ठ है। हे प्रभु, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाले आपके विचार अनुकरणीय हैं। धन्यवाद। संसार की अनेक विषमता ही आत्मा का उद्धार करने वाहक है, आप में उनका उत्थान कर, आप में उनका अभाव करने की क्षमता है। आप महान सुभट हैं, आप शीघ्र अति शीघ्र दीक्षा ग्रहण करें। हे महाभाग्य, इस चतुर्गति परिभ्रमण संसार को नश्वर समझकर आपने जो व्यक्ति धारण की है वह महान स्तुत्य है। यह संसार वास्तव में अनित्य है, क्षणिक है, दुनिया का कोई पदार्थ नित्य नहीं है। हे भगवान, आप शीघ्र ही दीक्षा धारण करें। आप धन्य हैं प्रभु। लोकांतिक देवों ने प्रभु के वैराग्य की भूर भूर अनुमोदना की। वे ब्रह्म ऋषि लोकांतिक देव प्रभु की स्तुति कर अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले भगवान देव गुरु नामक शिव का में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। नेमी कुमार पालकी में विराजमान होते हैं, इधर माता पिता उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। केशव भैया पूर्वाचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में आकर के वैराग्य के भावों को धारण किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 16 वर्ष का वह अरुण तरुण रत की सैया भी थी प्यासी, त्रैलोक रमा से परिणय को तुम निकल पड़े बन सन्यासी। 13 वर्ष की अल्पायु में घर छोड़ा और 16 वर्ष की आयु में छतरपुर में चुल्लक दीक्षा ग्रहण करके
और आज यहाँ आचार्य परमेश्वरी के रूप में विराजमान है। ये पूर्व जन्म के निश्चित रूप से कई जन्मों के त्यागी रहे हैं, इसलिए 13 वर्ष की अल्पायु में घर छोड़ देते हैं। प्रभु नैमिश्वर ने दीक्षा के भावों से रोत पोत होकर के देवगुरु नामक पालकी में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। राजुल विलाप करती है, उनकी जननी शिवा देवी विलाप करती है, और पालकी कौन उठाएगा? इस बात के पीछे इंद्र और मनुष्यों में परसंवाद होने लगता है। अरे अरे, हे इंद्रदेव, ये क्या कर रहे हो? ये अधिकार हम मनुष्य का है, पालकी हम उठाएंगे। हाँ हाँ, जरूर आपने स्वर्ग से भेजी है, जरूर आपने सारे कल्याणक किए हैं, लेकिन ये राजा हमारे बीच के हैं, इसलिए पालकी पालकी छीन नहीं सकते हो, हमारा अधिकार आप ले नहीं सकते हो, बल्कि हम उठाएंगे, और मनुष्यों में परिसंवाद होने लगा कि पालकी कौन प्रथम उठाएगा। लेकिन सौदर इंद्र ने विचार किया कि पास के भुवन में आचार्य परमेश्वरी विराजमान हैं, चले उनसे ही चल करके हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु हमने भगवान के गर्भ कल्याणक मनाए, 15 माह तक रत्न वृष्टि की, जन्मोत्सव मनाया, पांडुक शिला पर अभिषेक किया, वस्त्राभूषण स्वर्ग से लाए हैं, और आज जब प्रभु वन गमन कर रहे हैं तो ये मनुष्य लोग कहते हैं कि नहीं, वे हमारे राजा हैं, पालकी तो हम उठाएंगे। आप ही बताएं कि हम पालकी कैसे इन्हें उठाने दें। आचार्य श्री का माइक चालू करें। हे सौदर इंद्र, ये बात सच है कि जन्म के पूर्व से ही 6 माह तक कुबेर द्वारा रत्नों की वर्षा तुमने करवाई। बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। ये बात भी सच है कि पांडुक शिला पर ले जाकर के सबसे प्रथम अभिषेक आपने किया। हे सौधर्मेंद्र, ये बात भी सच है कि स्वर्गों से उनके लिए वस्त्र एवं भोजन की व्यवस्था भी तुमने की। खेले कूदे और बड़े भी हुए। ये बात भी सच है कि आज रात के समय भी आप उपस्थित हुए, लेकिन अब तीर्थंकर नेमी कुमार को वैराग्य का भाव जागृत हुआ है, इसलिए हे सौधर्म इंद्र, तुम्हारे पास भगवान की सेवा पूजा और भक्ति करने का तो सौभाग्य है, लेकिन मानसिक आहार ग्रहण करने के कारण से संयम लेने का सौभाग्य तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इसलिए हे सौधर्म इंद्र, प्रथम पालकी को उठाने का अधिकार उन्हीं मनुष्यों को है जो तीर्थंकर के साथ संयम ग्रहण करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। वे मनुष्य ही सबसे पहले पालकी को उठाएंगे। 7 कदम ले जाने के उपरांत आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिएगा। पूज्य गुरुवर ने व्यवस्था दी, और इस पावन प्रसंग पर बड़ौत जैन समाज की ओर से पहले संयम लेने वाले मनुष्य पालकी उठाने वाले नियम ले लें। पहले जो पालकी मनुष्य उठाएंगे पूज्य गुरुवर पहले दे रहे हैं, संयम लेने का संकल्प कुछ ना कुछ करें, और वही मनुष्य जिनेंद्र भगवान की देव गुरु पालकी लेकर के शैशवन की ओर चलेंगे। बड़ौत जैन नियम लेते जाएं।
और संयम ग्रहण करके उठाते जाएं। कुछ ना कुछ नियम जो आप स्वेच्छा से ले सकते हैं, ताकि प्रथम सात कदम तक वो पालकी ले ले, उसको प्राण देवता गणा जाए। बड़ौद जैन समाज से, नेहरू रोड जैन मंदिर से गुरुवर के चरणों में निवेदन करने, श्रीफल भेंट करने के लिए भगवान की पालकी उठाने के लिए पूज गुरुवर ने जैसे कहा है, कुछ ना कुछ नियम लेना है आपको। फटाफट नियम लेते जाओ, नियम लेके आइए। संयम का लेना हो, ब्रह्मचर्य का लेना हो, रात्रि भोजन का त्याग करना हो, जमीकंद का त्याग करना हो, ऐसे मनुष्य फटाफट आ जाओ, पहले पालकी उठाए, फिर देवतागण अपने अपने कार्य करेंगे। एक महल का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले रहे हैं, वो सब बोलना नहीं है, अपने आप लेते जाओ, बाद में चले चढ़ा देंगे। बोलना नहीं है नियम, मन में कुछ ना कुछ नियम लेकर के पंडित जी उधर पहुंच जाए, वो तो अभी आप नारियल चढ़ाएंगे ना माता पिता, अभी माता पिता से नारियल चढ़ाओगे। हाँ, और माता पिता आए गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगार करते हैं। माता पिता श्रीफल लेकर के आए और पूज्यवर के चरणों में श्रीफल लेकर के, क्योंकि जो तीर्थंकर के माता पिता बने हैं वे नियम रूप से संयमी होते हैं। सनी चलिए थोड़ा आगे तक, उसको प्राण संपूर्ण इंद्र परिकर, जितने भी इंद्र इंद्राणी 16 पीछे आ जाएं और फिर पालकी उठा करके लेकर के शीघ्रता से लाएं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसज खिले, चल रे राही चल। बस अब इंद्र को दे दीजिए, आगे इंद्र पहुंच जाए। अब गगन मार्ग से इंद्रगण विमान को ले जा रहे हैं शेषावन के लिए, गिरनार पर्वत के शेषावन में ले जाएंगे सारे सौधर्म इंद्र, कुबेर सारे इंद्र पहुंचे। ज्ञान ही अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़ गए करते हैं हम हर कर्म। आराम से जाएं, मूर्ति है उसमें, बहुत आराम से जाएं। हो कल्याण की हो शरण भगवान की, इंद्र को चल राही चल। इंद्र को मौका दें, रुक जाओ भैया पालकी, इंद्र को मौका दें, अब मनुष्य पीछे हो जाए। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहे, एक की आंखों में खुशियाँ एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर ले चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। विद्याधर
भगवान की पालकी को लेकर के उर्जंत के सहस्त्राधार वन की ओर आ रहे हैं, जहां वांश वृक्ष के नीचे नीचे बैठते जाए सब, ऊपर कोई नहीं जाएगा, ऊपर कोई नहीं जाएगा। ओ साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले अंत की सर सज के ले, चल रे राही चल, चल रे राही चल, चल रे राही चल। प्रभु कुबेर द्वारा रचित चंद्रकांत शिला पर विराजमान हो जाते हैं। सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने, सभी लोग इंद्रगान, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। भगवान नैमिषारण छोटी छोटी कारण से करुणा के दृश्यों को देख करके वैराग्य के भावों से भर जाते हैं। हम उन महामानव की ओर चल रहे हैं जो 13 वर्ष की अल्प आयु में ग्रह त्याग करके आचार्य पुष्पदंत सागर का संयम का दामन थाप लेते हैं और 16 वर्ष की अरुण तरण कांति में भगवत जैनेश्वरी दीक्षा की ओर जिनके कदम बढ़ जाते हैं। संस्कार प्रणेता, ज्ञान योगी, अध्यात्म की गंगा में अवगहन कराने वाले संस्कार प्रणेता, जीवन आशा हॉस्पिटल जो कारुणिक दृश्यों के वे देख करके ही उनके मन में विचार आया भगवान नेमिनाथ के पावन वैराग्यमय दृश्य में उनके चरणों में कोटि से नमन और वंदन करते हुए कि वे इस करुणा के पावन पर्व पर हमें मंगल उद्बोधन दें। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदि नाथ भगवान की जय। 1008 श्री नेमी नाथ भगवान की जय। 1008 श्री पार्श्व नाथ भगवान की जय। विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य सत्य मूर्ति गुरुवर सौरभ सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव की, धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, जिसके दिल को
आंसुओं का असर नहीं करता, उसको उपदेश का भी कोई असर नहीं होता। मौन पीड़ा को देख करके, पीड़ा से मुक्त करने का जो भाव है, वह अंतरंग की करुणा के साथ संवेग भाव को भी जन्म देता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे पुण्यात्माओं को होता है जो त्रस्त जीवों की ही रक्षा नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो या एक इंद्रिय जीव हो, उनके प्रति भी करुणा से भर जाता है। जैन दर्शन कहता है कि साधु ईरिया समिति का पालन करता हुआ चले, उनसे पूछा गया कि छोटे से घास में अगर तुम चल रहे हो या छोटी सी चींटी आ रही है कदाचित मर जाए, तो कौन से भाव तुम्हारे मन में पैदा होते हैं? तो भगवान महावीर स्वामी कहते, बस तुम्हारे मन में यही भाव होना चाहिए, जैसे मेरे भीतर भगवान विद्यमान है वैसे इसके भीतर भी भगवान है। अगर मेरे द्वारा अकारण ही इसकी हत्या हो रही है तो किसी एक भगवान की हत्या भी हो रही है, इसलिए उसके प्रति करुणा से भर जाओ। और उसी करुणा से भरने के लिए त्रस जीवों की हिंसा का त्याग तो करते ही करते हैं, लेकिन जब वीतराग मुद्रा को अपना लेते हैं तब एक इंद्रिय जीव की हिंसा का भी त्याग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो भोजन में भी अगर एक इंद्रिय जीव आता है तो उपवास के रूप में उसका भी त्याग कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो पानी पीने का भी त्याग कर देते हैं, अन्न और जल से रहित अपनी समाधि की साधना में प्रवेश करते हुए केवल ज्ञान को प्रकट करने की आराधना अपने भीतर ही भीतर प्रारंभ कर देते हैं। आज नेमिनाथ भगवान का वैराग्य दिवस और आप सभी देख रहे थे कि एक जरा सा अतीत का निमित्त मिला कि वस्त्र को निचोड़ दो, मैं उसी के वस्त्र को निचोड़ेंगी जो शंख बजा देगा, चक्र चलाता हो। इंसान जब तक गृहस्थ में है तब तक कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ष होता है, वो भी गृहस्थी तो थे नेमिनाथ, उनके भी हमको चोट पहुंच गई। ये जानती है 6 माह तक रत्नों की बरसात हुई है, पांडुकशिला पर अभिषेक हुआ है और आज गृहस्थ जीवन में हैं, तो इस प्रकार की बात नहीं, यह मुझे स्वीकार। कसाई की यही तो विशेषता है, जब तक गृहस्थ जीवन में है तब तक अप्रत्यक्षान कसाई रहती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव पैदा हो जाता है, और वो भाव उनके मन में पैदा हो गया। लेकिन जब पांव से चक्र को चलाया और नाक से शंख को फूंक दिया तो चिंता हो गई कि जो इतना शक्तिशाली इतनी कम उम्र में है, तो जब इसकी उम्र बड़ी हो जाएगी तो मेरी सत्ता को भी यह अधिग्रहित कर लेगा। सत्ता का मोह बड़ा खतरनाक होता है, जितना छल फरेब आज सत्ता के नाम पर आपको देखने में आ रहा है उतना और कहीं नहीं आएगा। जब सत्ता की लोलुपता भीतर छाने लग जाती है तो ख्याल कीजिएगा, इंसान छोटा हो जाता है और कुर्सी बड़ी हो जाती है, फिर इंसान इंसान को मिटाने में भी संकोच नहीं करता है। अगर मिटा नहीं सकता है तो अपने आंखों की किरकिरी समझ करके उसे निकालने की चेष्टा करता है। शक्ति को तो देखा, लेकिन शक्ति को देखने के उपरांत अभी व्यक्त नहीं किया, क्योंकि जानते थे तीर्थंकर प्रकृति का जिसे बंध हो गया है उसे कोई भी किसी रूप में पछाड़ नहीं सकता है। अतुल्य बल्य जन्म से हो जाता है, जन्म के 10 अतिशय में ही ऐसी शक्ति प्रथम अवस्था की है कि अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार और प्रीहित वचन अतुल्य बल
वज्र विषम नाराज सहनन का बल इतना हो जाता है कि सैकड़ों चक्रवर्ती का भी बल एक तीर्थंकर के पास हो जाता है। इसीलिए तो नेमिनाथ ने कहा था, किसी में सामर्थ्य हो तो मेरी इस छोटी सी अंगुली को सीधा करके बताओ। सारे बलि लग गए अंगुली को सीधा करने के लिए, लेकिन जरा सी अंगुली को भी सीधा नहीं कर पाए। और इस शक्ति की कथाएं सभी जगह आपको मिलेगी, लेकिन इंसान के पास शक्ति कितनी भी हो, अगर संसार की धारा में बहता है तो सप्तम नरक की आयु का भी बंद कर लेता है, और संन्यास की धारा में बहता है तो वही मोक्ष का द्वार भी खटखटा देता है। शक्ति दोनों है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है, बस शक्ति के उपयोग की आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग क्या कर रहे हैं। शक्ति कभी भी बुरी नहीं होती है, उसकी उपयोगिता अच्छी और बुरी हो जाती है। आपके जेब में पड़ा हुआ 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया बुरा नहीं है ये मान करके चलना, लेकिन उसकी उपयोगिता अच्छी और बुरी हो सकती है। आप चाहोगे तो उसी 100 रुपए से शराब लेकर के पी सकते हो, अपने जीवन को तबाह कर सकते हो, और आप चाहो तो उससे दूध लेकर के भी स्वयं पी सकते हो, दूसरे की ताकत भी बढ़ा सकते हो। पैसा बुरा नहीं है, उसकी उपयोगिता बुरी है। शक्ति का उपयोग अगर त्याग मार्ग में करते, उत्थान के मार्ग में करते, कल्याण के मार्ग में करते, सुरक्षा के मार्ग में करते हैं तो महावीर कहते हैं वही तुम्हें पुण्य देने में कारण बन जाता है, कल्याण में कारण बन जाता है, परोपकार में कारण बन जाता है। और उसी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाओ तो वही दूसरे को मिटाने में कारण बन जाता है, स्वयं को दुर्गति पहुंचाने में भी कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी शक्ति पाओ तो अहंकार मत करो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति ज्यादा नहीं है। जरा सा बुखार आ जाए तो मसलने वाला भी व्यक्ति भी एक गिलास पानी के लिए करना प्रारंभ कर देता है, एक क्षण भी नहीं लगता है। लेकिन भाव पैदा हो गए, और भाव पैदा हुए तो भाव भी पैदा हो गए कि कैसे भी करके इसे कहीं ना कहीं से बाहर करना है। और बाहर करने के कितने उपाय हैं, उपायों का उपयोग भी किया जा रहा है। उम्र तो बढ़ती चली गई, उम्र बढ़ते बढ़ते विचार आ गया अगर इसे बैराग कराना है तो कोई ना कोई निमित्त पैदा करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में यह तो वैरागी जीव है, अहिंसक जीव है, करुणावान जीव है, यह कहीं पर भी पर की पीड़ा को देखेगा तो इसकी आत्मा मोम के समान पिघल जाएगी, और जैसे इसकी आत्मा पिघलेगी तो मन में इसके कहीं ना कहीं वैराग्य का भाव जागृत हो जाएगा, और वैराग्य का भाव जागृत होगा तो हर्रा लगे न फटकरी, रंग मेरा अपने आप ही चोखा हो जाएगा। इंसान के भावों का कुछ पता नहीं चलता है, और उस शक्ति को देख करके कुछ नहीं बोला, लेकिन एक मुस्कान ने भीतर की सारी भावों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर दिया। यह भाव ही है, मुस्कुराहट अपनी बातों को कह देती है। इसीलिए आप किसी के चेहरे को देख करके पहचान जाते हो, किसी की मुस्कुराहट में कुटिलता होती है, किसी की मुस्कुराहट में सौम्यता होती है, किसी की मुस्कुराहट में अपनापन होता है। इसीलिए आप देखोगे कुटिलता की मुस्कुराहट आपकी अलग झलकेगी, जिसमें आंखों का इशारा भी होता है और मन का भाव भी होता है, हाँ बेटा अभी तो रहने दे बाद में निपट लेंगे, और सामने वाला भी तुम्हारी कुटिल मुस्कुराहट को समझ जाता है। अट्टहास करना तो व्यंग है, खूब मुंह खोल करके हंस रहे हो अलग प्रभाव, मुस्कुराहट में भी अपने काम है। दूसरी मुस्कुराहट हो जाती है अगर आप देखने की चेष्टा करोगे तो अपनेपन की मुस्कुराहट होती है, जो आकर्षित करती है और अपने भीतर की खुशी को अभिव्यक्त करती है। लेकिन तीर्थंकर भगवान की मुस्कुराहट अलग होती है, आप मूरत में देखते चले जाओगे, उनकी मुस्कुराहट में न तो राग है और न द्वेष है, केवल सौम्यता है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी अंतरंग की खुशी प्रकट होती चली जाए। मुस्कुराहट कौन सी पैदा करना है, अपने आप ही देखना।
और उस समय का परिणाम ऐसा जागृत हुआ कि विवाह के रूप में राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल को देख लिया कि ये राजुल कन्या बहुत अच्छी है, इसका नेमी से विवाह कर दिया जाए। गृहस्थी जीवन है, सांसारिक जीवन है, और ऐसा सांसारिक जीवन है कि उनके शादी का समय भी आया। तो कौन सा समय? सावन। कौन सा समय? सावन का महीना। आप देख लो, आज तक लोग सावन के महीने में शादी नहीं करते। बोले नेमीनाथ की बारात लौट गई, कहीं हम सावन में करेंगे तो हमारी भी बारात लौट जाएगी। सावन में नहीं करते शादी। करते हो क्या? नहीं करते। इनके सावन में विवाह हुआ, मुहूर्त ही गलत निकल गया, कोई सोचने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, बस कार्य चल रहा है तो चल रहा है। सोचो आप, केवल सोचते चले जाओ। और कितना बड़ा स्वांग रच दिया गया पूरे राज्य में, कितना बड़ा छल रच दिया गया, कितना बड़ा विवाह का आयोजन था। आप सोचो, करोड़ों लोग उस समय थे कि आप भी जब कभी भी शादी के गीत पढ़ते हो, नेमी राजुल का सबसे ज्यादा संवाद इन्हीं का पढ़ते हो, नेमी जी की बारह चाली 56 करोड़। कितने बाराती थे? एक नहीं, दो नहीं, तीन, यानी 56 करोड़। किसको बोलते 56 करोड़? हैं? किसको बोलते? भारत की आधी आबादी एक की शादी में। आप सोचो, कभी कल्पना करना। अब इसे अपन परिभाषा में बदल भी सकते हैं, 56 प्रकार के लोग थे, यानी 56 जातियों के होंगे। जैसे अपन कहते 36 बिरादरी के लोग, ये भी कह सकते हैं। जो आपको समझना हो समझ लेना, इस शब्दों में कभी मत उलझना, उसके भीतर छिपे हुए तथ्य में उलझना। और इतने सारे बराती आएंगे तो कहां से कहां भाव आ गए। यद्यपि तीर्थंकरों के जीवन में ऐसी कभी घटनाएं नहीं घटती है हिंसक कार्य की, लेकिन हुंडा और सर्पणी काल के दोष में कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते, अनहोनी कह करके टालना पड़ता है। विचार तो करो। केवल चारों ओर मनुष्य तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक बाड़ी में कह रहे हैं पशुओं को भी बांध दिया। देख रहे हो दृश्य आप? नेमीनाथ के बारात में ही केवल पंचकल्याणक में यह दृश्य मिलता देखने के लिए। और उनकी धूमधाम से बारात आ रही है और देख रहे हैं कि कहीं से पशुओं की करुण पुकार हो रही है। ऐसी घटनाओं को देख करके सुन करके आपके मन में विचार होता है कि काश मैं भी वहां पर होता तो ऐसा कृत्य होने नहीं देता। आज भी आपके मन में करुणा है, क्योंकि जैन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन कुल में पैदा हुआ तो इतना पुण्यात्मा होता है कि जैन कुल में पैदा होते ही 50% हिंसा तो केवल जैन धर्म में पैदा होते ही छूट जाती है। यह जैन कुल की विशेषता है। आप अपने मन में एक बार विचार करना तो आपको विचार पैदा होगा कि अगर मान लीजिए आप किसी कसाई के कुल में, हिंसक के कुल में पैदा हो जाते तो क्या होता। बचपन से ही आपके हाथ में छुरी होती और कोई ना कोई जानवर को काटना और मारना पड़ता, रक्त का पान करना पड़ता। आप सोचो, केवल जैन कुल में पैदा हुए तो 50% त्रस्त जीवों की हिंसा यूं ही छूट गई। और कहीं माता पिता धार्मिक होते हैं तो एक विशेषता और आ जाती है कि जरा सा बच्चा अगर नीचे कीट पतंगे को भी तड़पता हुआ उड़ता हुआ देखता है तो चप्पल करके पीटने लगता है या पांव से पीटने लगता है, तो माँ कहती तुम बाबा नहीं, ऐसे जीवों की हत्या, और उसे उस समय से रोकती है। छोटे से प्राणियों को मारने के लिए भी ये जैन कुल के संस्कार का प्रभाव कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है। और थोड़े माता पिता समझदार हो जाते हैं तो बच्चा बड़ा भी होने लगता है तो बच्चे को शिक्षा देते रहते, बेटा हिंसक सामग्री बाहर में खाने की हो तो कभी भी मत खाना, इतना तक कह देते हैं। जहां पर मां संडा होता हो वहां पर तो कतई कोई सामान को लेकर के मत खाना। ये जैन दर्शन के संस्कार हैं, करुणा के संस्कार है। प्रत्यक्ष हिंसा को तो मना करते ही हैं, अप्रत्यक्ष हिंसा के लिए भी मना कर देते हैं और कहते बेटा बेटी इतना ध्यान करना, कहीं पर भी जाओ तो तुम्हें अगर मिलावट की मांस वाली सामग्री मिल जाए तो उसको भी खाने का त्याग कर देना, देख लेना कि लाल पट्टी है या हरी पट्टी है, तुम्हें कम से कम अहिंसक धर्म का ख्याल तो
रहे, अपने अपने परिवार में सोचना कि ये संस्कार जैनियों में दिए जाते हैं, अन्य किसी में ऐसे अहिंसक संस्कार आपको मिलने वाले नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ये संस्कार होते हुए भी नई पीढ़ी बदलती चली जा रही है। सबको मालूम है, उसके उपरांत भी कहीं पर खान पान में संकोच नहीं करते हो। कितने सारी पैक्ड ऐसी चीज आ रही है जो आप अपने पेट में डाल रहे हो, प्रत्यक्ष रूप में हिंसा तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपकी हिंसा इतनी बढ़ गई है कि अगर देखोगे तो लाखों करोड़ों जीव केवल आपके खाद्य पदार्थ के कारण से हत्या के पात्र हो रहे हैं, केवल आपके खाने के कारण से। यानी ये सोचो, गाय का दूध भी है तो अगर आइसक्रीम बना रहे हैं तो कहते हैं उनके शरीर के थन और मुख का मुलायम भाग को ऐसे पीस करके उस दूध में डाल करके जमाया जाता है आइसक्रीम के रूप में, जो आपके बाहर ठेला में बसता हुआ आता है और आप बड़े अच्छे तरीके से शादी ब्याह घूमने फिरने में बुलाते हो, खाते हो और खिलाते हो। अगर ऐसे बाजार की हिंसक सामग्री को आप खिला रहे हो तो आप ख्याल करना, गाय के मांस नथुने और थन का मांस खा रहे हो, गुदा द्वार का मांस सबसे ज्यादा मुलायम भाग। आप लोग तो वैसे नेट में देखते रहते हो, इस सीरीज 120 में कितने सारे चीजें हैं खाने पीने के बारे में और कितने सारे हिंसक अहिंसक चीजें हैं, कभी देख करके पता करो। लेकिन जरा सी बाहर घंटी बजी और इधर से पप्पू आया, बोला पापा पापा देना 10 रुपया 50 रुपया, आपने भी निकाला और दिया और तुरंत खा लिया। हिंसक चीजें कितनी हो गई है, सोचने लगो तो आपको महसूस होगा। ये करुणा का दृश्य केवल ऐसे ही नहीं दिखाया जा रहा, ये आपको प्रेरित किया जा रहा है कि देखो कि तुम्हारे तीर्थंकर नेमिनाथ कैसे थे, केवल उन्हें भान बस हो गया कि मेरे कारण से यहां पर पशुओं की हिंसा होगी। शादी के मंडप पर बैठे हैं और आज अगर आप अपने आप को देखोगे तो शादी के समय ही सबसे ज्यादा हिंसा और पाप करते हो, क्योंकि आपकी जेब गर्म है, कलर ऊंची है, दुनिया को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार तो मौका मिला है, इसे दिखा दो। आपकी मानसिकता और परंपराएं लुप्त होती चली गई है। मंदिर की पूजा में तो सोचने लगते हो पाप दिन में है या पुण्य रात में है, इसका तो विचार है, लेकिन यह विचार नहीं आता है शादी हम दिन में करें या रात में करें, पाप किस में है पुण्य किस में है। धर्म के ठेकेदार तो हम बनते हैं लेकिन आचरण को कभी भी स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करते हैं। देखते चले जाओगे तो आपको पता लगेगा कि मंदिर के नाम पर कितने कायदे कानून बनाते चले जाते हैं, लेकिन अपने परिवार और धर्म के नाम पर कोई पंचायत कायदे कानून नहीं बनाती है। ये कभी नहीं सोच पाती है कि चलो हम पदाधिकारी हैं तो जहां पर ऐसी शादी होगी तो नहीं जाएंगे, और हमसे प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, महाराज रात में पूजा करने से पुण्य लगेगा या पाप। मैं उनसे पूछता भैया कौन पूजा करता है, बोले जब शादी होती है तो रात्रि में पूजा होती है, दूल्हा दुल्हन करते हैं। अरे मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगा और प्रश्न कर, महाराज रात में शादी करने से पुण्य लगेगा या पाप। मैं बता दूंगा, अगर रात में शादी करने से पाप लग रहा है तो पूजा अपने आप बंद हो गई, और तुम पूरा काम कर रहे हो तो रात्रि में वहां पर शांति विधान करो, दोनों को बैठा करके, कोई पाप लगने वाला नहीं है, बल्कि आधे घंटे के लिए नए दूल्हा और दुल्हन भगवान की पूजा ही करेंगे। लेकिन कुपढ़े लोगों का दिमाग कहीं और चला गया। नियम मंदिरों के बनते हैं, समाज के अपने जीवन के नहीं बनते। जबकि बदलो, दिन में करो, नेमिनाथ के भी दिन में शादी हो रही है और धूमधाम से हो रही है, कम खर्चे में भी ज्यादा काम हो रहा है, और जिसको आना होगा आ ही जाएगा, नहीं आना होगा तो नेक पहुंचा देगा आपको, उसकी चिंता मत करो। सोचो तो कौन सा प्रश्न कहां उठना चाहिए और जीवन का परिवर्तन कैसे होना चाहिए। अपने आप महसूस होने लगेगा कि जन्नत के संस्कार हमें कैसे डालने हैं, ये तो दीक्षा है। संस्कार उसी समय ही हो रहा था, पशुओं का बंधन देखा और जैसी पुकार सुनते हैं उनके मन में करुणा की भावना जाग जाती है, मेरे कारण से हिंसा मुझे कतई स्वीकार नहीं है। पशु बंधन को देखकर धार लिया वैराग्य और सर्वदर्शी नेमी प्रभु नमन जगावे भाग्य। हमारे भाग्य को जगाने वाले नेमीनाथ भगवान हैं,
जो कह रहे हैं कि तेरे भीतर करुणा का भाव जग गया तो समझ लेना तेरा भाग्य जगना प्रारंभ हो गया। और ऐसे समय पर वही सब आए बलभद्र और नारायण तीर्थंकर नेमिनाथ का वैराग्य देखने के लिए, तो कह रहे हैं हल भ्रष्ट ते स्वजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वर धर्म विनय रसिकौ सुतराम चरणार बिंद युगलम प्रणे मतो। आचार्य समंत्र भद्रदेव कह रहे हैं जब ऐसा वैराग्य उनके मन में आता है तो फिर हलधर धारी भाई प्रमुदित होकर भक्ति करते और धर्म विनय से युक्त परिजन नेमिनाथ को नित बसते। संबंधों की गहरी दुनिया मोह भाव से चलता है, संबंधों की गहरी दुनिया तो मोह भाव से चल रहा था लेकिन ऐसी स्थिति को देख करके वो भाई दोनों के दोनों भी उनके चरणों में प्रणाम करने लगते हैं। या चर समंत्र भद्र कह रहे हैं जिसके जिसके भीतर भी करुणा का जागरण होता है धीरे धीरे उनका सम्मान होना प्रारंभ हो जाता है। करुणा से पशु भी सम्मान करते हैं, मनुष्य भी सम्मान करता है, देवतागण भी सम्मान करते हैं क्योंकि दया धर्म का मूल है, करुणा भाव मूल है। इसलिए पहले आपसे कहा कि जिसे किसी के आंसू का असर नहीं है उसे उपदेश का असर होने वाला। दूसरे के आंसुओं को देखो, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, तुम भी द्रवित हो जाओ और परमात्मा से कहो हे परमात्मा जीवन में सब कुछ मिले लेकिन मुझे ऐसा कष्ट कभी भी ना मिले। तिर्यंचों का कष्ट देख लोगे तो पता लग जाएगा, जंगल राज को देख लोगे तो पता लग जाएगा, स्लॉटर हाउस देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे जानवर होते हैं और आपके चमड़े पहनने के लिए बनाए जाते हैं तो कैसा गर्म गर्म पानी उसके ऊपर डाला जा रहा है, पूरा चमड़ी फूल रही है, पिटाई हो रही है और मशीन लेती है पूरे के पूरे चमड़े को खींच लेती है और खींचने के उपरांत आपके लिए जूते चप्पल बेल्ट घड़ी का पट्टा बना देती है और आप हजारों रुपये खर्च करके अपने शरीर का श्रृंगार करने लग जाते हो। भाव पैदा होता है, बोले हे प्रभु हमें ऐसा मालूम चल रहा है हम अपने जीवन में हे नेमिनाथ भगवान तुम पूरे कपड़े छोड़ने को तैयार हो तो क्या मैं चमड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं? बोले अवश्य हूं, पूरे चमड़े का ही त्याग होने लग जाएगा। केवल एक भाव पैदा हो जाएगा आपके मन में और वो भाव जिसके मन में पैदा हो जाएगा तो नेमिनाथ का वैराग्य देखना उसका सफल और सार्थक होने लग जाएगा। तुम नेमिनाथ जैसी जिन दीक्षा तो नहीं ले सकते हो लेकिन अहिंसात्मक आचरण पालन करके जैन दीक्षा तो ले सकते हो। जैन दीक्षा भी ले लिया तो अहिंसात्मक प्रवृत्ति आ जाएगी। सोच लो कैसी स्थिति, वहां पशुओं की करुण पुकार है और अपने दरवाजे पर नेमिनाथ की होने वाली पत्नी राजुल खड़ी है और जब तक खड़ी थी तब तक उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते रहो और जैसे ही पता लगा कि वो तो तोरण द्वार से ही जा रहे हैं उसका रुदन देखते चले जाओ। एक क्षण भी नहीं लगा, जो चेहरे पर खुशी थी उस चेहरे पर आंसू एक मिनट में आ गए। लेकिन आ रहे वो जा रहा है, कैसा पाप का उदय और कैसा पुण्य का उदय एक क्षण में देख लो। कहां तीर्थंकर जैसा व्यक्ति पति बनने वाला और कहां दरवाजे से। आप कभी मन में सोच करके रखना आपके घर में कभी विवाह हो रहा हो और कदाचित खटपट हो जाए किसी मामले में बातों में और कहीं बारात ऐसी लौट आनी पड़े शादी न हो तो क्या स्थिति बनती है कल्पना करना। और जहां हजारों लोग आ गए हों तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं और ऐसा प्रसंग बैठ गया हो सोचो आप महसूस करना, कभी महसूस करना आपको लगेगा क्या स्थिति बनी होगी। लेकिन फिर भी देखिए स्त्री जब कभी बिल्कुल पावनता से भरी हुई होती है तो कैसे उसके भाव पैदा हो जाते हैं। हे नेमिनाथ जिस दिशा की ओर आप चले हो अब मैं भी इस घर में रहने वाली नहीं हूं, जिस दिन दीक्षा को आपने स्वीकार किया है मैं भी सारे विषय भोग को तिलांजलि देती हूं और मैं भी आपके साथ आरिका दीक्षा को ग्रहण कर लेती हूं। अब मेरे जीवन में कोई भी दूसरा पति आने वाला नहीं है। कैसा वैराग्य का भाव सामने आने के उपरांत और आज की स्थिति को अगर देखो तो कैसा बदल गया है कि पता नहीं स्कूल से कॉलेज तक पहुंचते हैं कितने से अफेयर चल जाता है, कोई चिंता ही नहीं पैदा होती है, परंपराएं बिगड़ती चली जा रही है, संस्कार नष्ट होते चले जा रहे हैं, धर्म से च्युत होते चले जा रहे हैं, दुनिया भर की बात सामने आती है। महाराज क्या करें, जरासे में कोई डोरा डाला और फंस गए और चलते बने। 20 साल तक 25 साल तक जिस माता पिता ने अपने जीवन को खपाया उसकी गर्दन को झुकाने में पुत्र और पुत्री एक मिनट भी संकोच
नहीं करते हैं। कैसी दुर्दशा हो गई, कितना संस्कारों का पतन हो गया। आप थोड़ा सा सोचते चले जाओ, केवल यह मत देखो यहां पर नेमी राजुल का विवाह है, यह मत देखो, उसके साथ देखते के साथ अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने कन्याओं को देखो, यहां पर बैठे वो सोचो कि हे प्रभु जब भी हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन हे प्रभु इतना आचरण मेरा सुरक्षित रखना कि जब तक विवाह न हो तब तक मेरा दिमाग इधर उधर न भटके, गलत आचरण पे कदम न बढ़ाऊं, ताकि मेरा जीवन भी पवित्र हो और जिस माता पिता ने मेरे लिए इतना किया है उनकी गर्दन को झुकाने में मैं कारण न बनूं। इतना भी कन्याओं ने सोच लिया तो समझ लेना राजुल के पथ पर उनने भी अपना कदम बढ़ाया। मैं नहीं कहता कि वैरागी बनो, लेकिन कम से कम जब तक घर में हो तब तक तो अपनी पवित्रता को कायम रखो, धर्म को थोड़ा सा स्वीकार करके तो रखो। यह तो वैराग क्षण का है। नेमी जिस ओर चले वही मेरा ठिकाना है, यही तो आप गाते हो भजन में है? मेहंदी भी रचिर राजिर, मेहंदी भी नहीं सूख पाई, पूरा रंग नहीं दे पाई, उसके पहले ही चेहरे का रंग। जब आप भजन गाते हो तो कितने मगन होके गाते हो नेमी और राजुल के बरात के गीत को, सोचो आज। और ये बैराग तो पल में आ जाता है, कोई पता थोड़ी लगता है। आदिनाथ भगवान को अगर देखोगे तो नीलांजना की मृत्यु देखी और वैराग्य हो गया। शांतिनाथ के अतीत के जीवन को देखोगे, सफेद बाल को देखा वैराग्य हो गया, एक क्षण भी नहीं लगा। देखते चले जाओगे पद्म प्रभु भगवान को देखोगे तो बंधा हुआ हाथी को देखा और वैराग्य हो गया। चंदा प्रभु भगवान को देखोगे तो मेघ पटल विघटन हुआ उसको देखा, बोले अरे महल टिकने वाला नहीं है और वैराग्य हो गया। कितना जल्दी वैराग्य हो जाता है। आपके जीवन में कितने मुर्दे निकल जाते कभी वैराग्य होता है? बोले महाराज कुछ नहीं होता, हम तो शमशान में भी बैठ करके सोचने लग जाते, हे भगवान ये वर्किंग डे को मरा, आधी छुट्टी लेनी पड़ी, संडे को मरता तो दोनों काम हो जाते, वहां पर भी फूकने में देरी लग रही है तो सोचने लग जाते हो हेलो कितनी देर लगेगा यार फोन है, हाँ ठीक है उधर से देख लेना, ये तेल में थोड़ा निपटा के आ रहा हूं। क्या बोलोगे? निपटा के। सोचना आपका वैराग्य कैसा है। कभी कभी आपके भाव ऐसे जागृत होते वो स्थिर होने चाहिए। आचार्य कहते प्रवचन सुनते समय जो तुम्हारे भाव हैं, मुर्दे को शमशान में जलाते समय जो तुम्हारे भाव हैं, भयंकर बीमार को हॉस्पिटल में देखते हो तब जो तुम्हारे भाव पैदा होते हैं, और अचानक सामने से गाड़ी आई है और तुम एक सेकंड के लिए बच करके मुड़ गए हो, एक्सीडेंट से बचे हो, उस समय जो तुम्हारे भाव आते हैं वो भाव अगर स्थिर हो जाए तो तुम्हें संसार में वैरागी सा जीवन जीने में कहीं पर भी कोई कठिनाई महसूस होने वाली नहीं है। ये भाव पैदा तो हो जाए, स्थिर हो जाए बस, कि आपको एहसास हो जाएगा कि ऐसे ही सबको छोड़ करके, लेकिन कहाँ होता है। प्रवचन सुनते समय आपको लगता है हाँ भाई हम बन जाते तो अच्छा था, लेकिन वो भाव स्थिर होते हैं। बोले नहीं महाराज, यहां से प्रवचन खत्म भी नहीं होता कि आपके भाव भी खत्म हो जाते। लेकिन ये जीवन को देखो, नेमीनाथ ने भी सोच लिया कि पल पल गलता बर्फ सा जीवन, जीवन बर्फ के समान है जो निरंतर गल रहा है, उम्र पल पर घल रही जो अंजलि प्राणी, और काल करीब चला आ रहा हे भोले प्राणी। मौत सामने आ रही है, इसलिए मौत प्रतिदिन आ रही है। जिस दिन तुम पैदा हुए हो उस दिन से मृत्यु आ रही है, इसीलिए आपकी जितनी जितनी मृत्यु आती है उतने आपके नाखून और बाल बढ़ जाते हैं, उतने मुर्दे हो जाते हैं।